Hey, what's up everybody, this is Pranav back with another brand new video. So in this video मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई साहब आप सबवेयर की मास्टर कैसे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भैया बेसिक एकदम लल्ला, आप उसको की मास्टर बिल्कुल नहीं आता, ये वीडियो उसके लिए ही है। सो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। चलिए तो फिर आप पढ़ते की मास्टर की तरफ। तो फिर भाई अब हम आ चुके हैं अपने की मास्टर में। बैकग्राउंड में भाई थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा, भाई उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। तो फिर सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपनी सेटिंग की तरफ। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपको सेटिंग करनी है। आपको जाना है पहले डिवाइस कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन में। मेरे 1080p में सपोर्ट हो जाता है, मतलब ये एक्सप्लोड हो जाता है। अगर जब आपका वीडियो लेयर सपोर्ट नहीं हो रहा होगा तो रन एनालिसिस कर दीजिए, तो फिर आपका वीडियो लेयर जो है वो सपोर्ट हो जाएगा, पर क्वालिटी कम होने की शक्यता है। पर अगर जब आपने रन एनालिसिस किया है तो फिर हाई मोड, अल्ट्रा मोड, हाई मोड में जाके एडवांस एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में जाके आप यहाँ से जो है वो अनलिमिटेड वीडियो लेयर का ये ऑन कर दीजिए। और ये जो फ्रेम रेट का है, अगर जब आपको पास ज़्यादा टाइम होगा भैया, मतलब ऐसे ही, मतलब अगर जब आप इसको बंद करेंगे तो फिर एक्सप्लोड होने को कम टाइम लगेगा, इसको अगर जब आप चालू करेंगे तो एक्सप्लोड होने को ज़्यादा टाइम लगेगा, पर 60 FPS में आप वीडियो जो है वो एक्सप्लोड मार पाएंगे। तो फिर चलिए ये तो अगर बेसिक। तो फिर अगर जब आपको स्ट्रेट वीडियो लेना है तो ये वाला रेशो बीच वाला स्क्वायर का 1.1 और ये 1920x1080 वाला रेशो है अपने आठवीं स्क्रीन का। तो फिर अब आपको मैं सब कुछ समझा डालता हूँ। तो फिर सबसे पहले आपको कुछ भी ये देखे भाई, ये है शॉप, यहाँ से आप बहुत सारे इफेक्ट वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ओवर लेयर्स इफेक्ट वगैरह आप सब यहाँ से डाउनलोड कर सकते। सबसे पहले भैया यही इसमें से डाउनलोड कर दीजिए, पर नेट लगता है इसको। और फिर इसके बाद आपको जाना है मीडिया में। तो फिर मैं एक एग्जांपल के लिए बैकग्राउंड ले लेता हूँ। तो फिर ये देखिए ये बैकग्राउंड है। तो फिर अब ये देखिए ये किसका ऑप्शन है, ये स्प्लिट ट्रिम का ऑप्शन। ये देखिए आप सबसे पहले आप यहाँ से ट्रिम कर सकते, दूसरा आप यहाँ से ट्रिम कर सकते, और ये है बीच में का ट्रिम का ऑप्शन। और अगर जब आप ये डालेंगे तो फिर यहाँ पे ऐसी फ्रेम ऐड हो जाएंगी, मतलब वीडियो का जो है वो फोटो बन जाएगा। और ये है बीच में अपने एनिमेशन, रुकिए आपको ज़रा दिखा दो। ए हंसू कौन रहा ला, सॉरी भैया। तो ये देखिए ये है बीच में की एनिमेशन, जिसके आप कौन सी भी ऐसे एनिमेशन डाल सकते हैं। इसको बड़ा कर देता हूँ। सॉरी भैया बीच ये देखिए आप कौन सी भी एनिमेशन डाल सकते हैं। ग्लिच वगैरह ये सब आपको डाउनलोड कर देनी होगी, वरना कम एनिमेशन आ जाती है। तो आप बढ़ते अपने लेयर की तरफ। तो फिर ये देखिए ये भाई वीडियो लेयर, आप इससे वीडियो लेयर, फोटो लेयर कुछ भी ला सकते हैं। एग्जांपल के लिए ये देखिए आप यहाँ से ऐसे वीडियो वगैरह ला सकते हैं, जैसे कि ये देखिए आप यहाँ पे लेयर ला सकते हैं। और ये वाला है फेड, ये वाला है स्टार्टिंग के एनिमेशन का, और ये है मिडल एनिमेशन, मतलब बीच में के एनिमेशन, और ये है जाने के एनिमेशन। और फिर उसके नीचे भैया क्रोमा की, आप क्रोमा की ऑन करके तो फिर ये देखिए मैं आपको क्रोमा की का बाद में अलग ये क्रॉप ये तो आपको बताऊंगा। ये रिवर्स, आप इससे वीडियो रिवर्स कर सकते हैं, इससे आप ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इससे आप रोटेट वगैरह कर सकते हैं, इससे आप कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और ये है वॉइस चेंजिंग का, ये वॉइस बढ़ने का, ये वॉइस चेंजिंग का, और ये है बाइंडिंग। ये देखिए ये कुछ इस तरह की बाइंडिंग। आप अगर जब रुके भाई मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ ये कैसे वर्क कर दे। तो फिर ये रहा रेड कलर। तो फिर आप इसकी बाइंडिंग आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए आप इससे ऐसे बाइंडिंग कर सकते हैं, ये सिर्फ प्रीमियम की मास्टर में ही अवेलेबल है, तो उसकी नॉन रख देता हूँ। और इससे आप ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और इससे अब आपको मैं क्रोमा की का माजरा बताता हूँ भैया। क्रोमा की से आप क्या कर सकते, थोड़ी सी यार प्रॉब्लम हो चुकी थी, वीडियो बीच में स्टॉप हो चुका था। तो फिर अब मैं आपको क्रोमा की का क्रोमा की का माजरा बताता हूँ। क्रोमा की से क्या होता है, अगर जब आपने
अगर जब आपने इसे क्लियर ऐड की और इसे वीडियो लिया और इसका ग्रीन स्क्रीन ये हुआ, तो फिर आप क्रोमा की से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। तो फिर ये होता है क्रोमा की से। तो फिर अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये आप इससे कौन सा भी यार मिस्टेक वगैरह हो गई तो फिर आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इससे अगर जब आपको लगता होगा वापस एक बार अंडो, तो फिर इससे आप कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ एनिमेशन की का क्या मालता है। तो फिर एनिमेशन क्रिया इसे आपने ली, ये अगर जब आपने कौन सा भी टेक्स्ट लिया, अगर जब आपको इंट्रो बनाना है और इसको कौन सी भी एनिमेशन देनी होगी, तो आप इससे ऐसे एनिमेशन दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी देखे दिखाता हूँ, इसको ऐसे गोल गोल घुमाते दिखाता हूँ। तो फिर आप इससे ऐसे कौन सी भी एनिमेशन इसको दे सकते हैं। ये कुछ काम करें, इससे आप नीचे की लेयर देख सकते हो, इससे आप वीडियो के एंड में और स्टार्ट में जा सकते हो और इससे एक्सप्लोर कर सकते हैं वीडियो भैया, और फिर एक्सप्लोर।